भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में भी न्यूजीलैंड को पटखनी दे दी है। वर्ल्ड कप के खराब प्रदर्शन को भुलाकर भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। इसी के साथ रोहित के रन कुबेरों ने पहली बार भारत में न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ कर इतिहास रच दिया है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले गए तीसरे और सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 73 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत एक बार फिर बेहद शानदार रही। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर रन उगल रहा था। केएल राहुल की जगह कप्तान के साथ ओपनिंग करने आए ईशान किशन ने भी तेजी से रन बटोरे। हालांकि 7वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लगे। 21 गेंद पर 6 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर ईशान किशन सेंटनर का शिकार हो गए। उसी ओवर के आखिरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। सेंटनर के अगले ओवर में ऋषभ पंत भी निपट गए। श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर और फिर आखिरी के ओवरों में हर्षल पटेल और दीपक चाहर की तेज तर्रार छोटी पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 184 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। 185 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी की टीम को तीसरे ही ओवर में पहला झटका लगा। अक्षर पटेल ने डेरिल मिचेल को 5 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और फिर बल्लेबाजों के आने जाने का सिलसिला थमा ही नहीं। मार्टिन गप्टिल एक छोर पर बड़े बड़े शॉट्स लगाते रहे लेकिन दूसरी ओर विकेट का पतझड़ लगा रहा। 3 बल्लेबाजों को छोड़ कोई भी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। 11वें ओवर में अर्धशतक पूरा करते ही गप्टिल भी युजवेंद्र चहल का शिकार हो गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड की जीत की आस भी खत्म हो गई। 18वें ओवर में पूरी टीम 111 रन पर सिमट गई। 3 ओवरों में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट लेकर कीवी बल्लेबाजों की कमर तोड़ने वाले अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच बने। वहीं टूर्नामेंट में धाकड़ बल्लेबाजी करने वाले कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज रहे। कप्तान ने तीनों ही मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाई। मैच के बाद रोहित शर्मा ने पूरी टीम को जीत का क्रेडिट देते हुए कहा कि टीम को मध्यक्रम में अब भी सुधार की जरूरत है। फिलहाल के लिए तो नए कप्तान और नए कोच की जुगलबंदी अपने पहली परीक्षा में कामयाब रही, खासकर तब जब विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी सीरीज से बाहर थे। लेकिन टीम इंडिया की असली परीक्षा 25 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रहे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में होगी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश, दुनिया और खेल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।